हेलो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में हम आपको ले जाने जा रहे हैं डोलबहा म्यूजियम। तो मेरी लास्ट व्लॉग में आपने देखा था डोलबहा डैम, जिसको पंजाब गवर्नमेंट ने 1991 में बनाया था। तो उस समय ये काफ़ी जो एरिया है काफ़ी ऊंचा हुआ करता था, और आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम ये एरिया जो है काफ़ी जो है इस पर डेप्थ पे चला गया। और इसके साथ ही यहाँ तक मैं म्यूजियम की बात करूँ, यहाँ से कुछ वर्ष पहले बताते हैं कि यहाँ पे कुछ भूकंप आया और उस घटना में मतलब प्राचीन समय की जो भी वहाँ पे रिमेन्स रहे हैं वो चीज़ें उसमें दब गई। एंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन जो खुदाई हुई थी तो उसमें कुछ हड़प्पा संस्कृति के इसके रिमेन्स मिले इसमें। सो दैट वॉज अ वंडरफुल थिंग। और मुझे पता लगा है कि दसुआ रोड से जो अंदर को लिंक रोड जाता है जिसको हम डोलबहा रोड कहते हैं, ये सामने आप हम इसी रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं। और इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आपने केंद्र विद्यालय गजभूंगा देखा, तो ये भी उसी रोड पर मौजूद है। और हम इसी रोड से जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हमारे डोलबहा म्यूजियम को। और जिस डैम की मैं बात कर रहा था, डोलबहा डैम, वो भी इसी रास्ते पे पड़ता है। सो लेट अस फ्रेंड्स एंजॉय एंड वॉच। एंड इट्स अ वंडरफुल आफ्टरनून सैटरडे इवनिंग। पीछे बैठे मेरे साथ मेरे मित्र दो तीन, ठीक है, विक्रम जी, तनु जी, साक्षी मैम एंड रोहित जी। अच्छा, ये क्या होगा, ये राइट साइड में आप जो ग्रीनरी हमें नजर आ रही है ये है गेहूं। तो गेहूं की प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया होती है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। और ये ऑन द वे ऑफ डोलबहा रोड हम देख रहे हैं रामलीला मैदान। रामलीला का यहाँ पे मंचन होता है, बहुत ही खुला एरिया है। आसपास जितने भी विलेजेस के लोग हैं यहाँ पे आते हैं और खूब चहल पहल रहती है यहाँ रामलीला के समय में। इसका बैक साइड है म्यूजियम का। हमारी फ्रेंड्स की टोली चल पड़ी है हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। पुरातन समय की चीजें मिलेंगी। अभी आपको मैंने हड़प्पा की पिक्चर्स शेयर की हैं, बिकॉज़ द फेलो वाज नॉट अलाउइंग अस फॉर द वीडियोग्राफी। सो लेट अस कम। यहां पे देखिए ये जो रिमेन्स आपको दिख रहा है, ये तो मुझे मेरे यहां। अच्छा, वो कोई यार ये है क्या, कट इतना बड़ा ये एक और स्ट्रक्चर है, काफी पुराना है। इसको देख के ऐसा लगता है इट लुक्स लाइक अ पेडेस्टल, जहां पे हो सकता है कोई मूर्ति या कोई मतलब पूज्य स्थान रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म सा बनाया गया है। बढ़िया यहाँ पे नक्काशी की गई है। ये पत्थर बिल्कुल हड़प्पा संस्कृति के समय नहीं, गुप्त काल के गुप्त काल बोल रहे
हाँ हाँ ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एरिया कवर होने के बाद हम जा रहे हैं। मेरे यहाँ पे एक बड़े ज्ञानी फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को बताया कि हड़प्पा समय में ये नक्काशियों वाला काम जो है वहाँ पे उस वक्त नहीं हुआ था शुरू, उसके बाद जो गुप्त काल के समय में ये नक्काशियों का काम शुरू हुआ था। तो जो भी रॉ स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं वो डेफिनेटली हड़प्पा समय के होने चाहिए, लेकिन उसके बाद जो महीन नक्काशियाँ जिसमें की गई हैं वो उसके बाद जो गुप्त काल का एज है उसके होने की संभावना ज़्यादा है। सो लेट अस सी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बर्गर का पेड़ है ना, है ना, वो उसका मेन जो है रूट है, ठीक है ना, मतलब मेन तना उसका वो है, पेड़ का जो मेन हिस्सा है। अब वहाँ से प्रॉप रूट्स निकले और ये प्रॉप रूट्स इधर देखिए आप वहाँ से निकल रहे हैं ना, ये जो है ये सारे असल में ब्रांचेज हैं। यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेड़ भी कितने पुराने हैं, इनको देख करके लग रहा है कि ये पेड़ ही है। असल में ये ऊपर से नीचे को गिरी हुई है, जो देख रहे हैं आप सामने वाला, दिस इज एक्चुअली प्रॉप रूट विच यू नो स्टार्टेड हैंगिंग डाउन एंड फाइनली इट ग्रिप द रूट और एक पेड़ जैसा लग रहा है हमको। यहाँ पे भी देख रहे हैं इसका कनेक्शन नहीं दिख रहा, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, अब ये बिल्कुल पेड़ जैसा दिख रहा है। थैंक यू। हमारा बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, बहुत वधिया पेंटिंग है ओहदे अंदर। शिव पार्वती है। जय हो जय हो। ये मुसलमान है जो मुसलमान है। Because of the time restraint, we are not going to cover Ram Tatwali temple. So आपको next vlog में वहाँ के दर्शन करवाएंगे। और रास्ते में यहाँ पे एक एंजल फार्म करके एक फार्म हाउस भी है, अगर कीजिए हम आपको उधर भी ले जाएंगे। I have heard that it's a beautiful, nice place to visit. मजा आने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये है वो एंजल फॉर्म एंजेलिना गार्डन्स। एंजेलिना गार्डन ड्रीमलैंड, इट्स अ प्राइवेट फार्म हाउस। अरे वाह क्या लोकेशन है, यहाँ पे सुना है मैंने ₹50 टिकट लगते हैं, अंदर स्विमिंग पूल है और ये गार्डन्स है और गार्डन्स हैं। सो लेट अस सी। और आगे इस एरिया के बारे में हमें ज्यादा तो पता नहीं, लेट अस एक्सप्लोर। लेकिन रोड इज रियली 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 डैशिंग। ना फॉर्म के अंदर का दीवारों पे वाओ, पिलर पिलर पे कुछ एंजल फॉर्म। रेतीला रास्ता, सफेद रेत से राजस्थान की याद कवर है ये रास्ता। आजू बाजू में सफेदे के नन्हे मुन्ने पेड़ और ये पथरीला सा समा। ओह माय गॉड, ये सामने हम देख रहे हैं एंजल एंजल फॉर्म के अंदर हमारा प्रवेश हो चुका है। संतरे के बाग भी यहाँ पे दिख रहे हैं और काफी गाड़ियां भी हैं यहाँ पे। पार्किंग स्पॉट किधर है इनको पता है? कैंटीन भी है आगे सामने लगे। वाओ ब्यूटीफुल, लगा दो यहीं लगा दो। हाँ
मिनी ऑरेंज यार हियर यू कैन सी वाचिंग दिस फॉर ऑरेंजेस यार इट्स वंडरफुल मिनी ऑरेंज के छोटे छोटे इसको हैं नारंगी भयंकर खट्टी है छोटे छोटे बच्चों के लिए है या इसमें बड़े भी बैठ सकते हैं नाइस टेबल चेयर बताओ सर क्या खाएंगे आप ग्रिल सैंडविच चीज बर्गर एंड कॉफी ओके फालूदा रॉयल फालूदा बस इसके ज्यादा नहीं वी आर ऑन डाइट ये पेंटिंग के जी गजगुंगा की स्टूडेंट है अमरदीप उसने की है नवदीप अमरदीप दोनों बहनें अमरदीप और नवदीप दोनों बहनें हैं और आर्ट सर हैं अंडर हिज गाइडेंस एंड बिनाइन इंस्पिरेशन दिस वंडरफुल वर्क वाज डन यू कैन सी हियर ये भी यहाँ का एंजल फार्म का बहुत बढ़िया कैंपस है घास इतनी नरम है ऐसा लग रहा है रुई पे चल रहा हूँ और यहाँ पे जो पेड़ दिख रहा है ना वो पतला सा ये सागवान का पेड़ है इसकी खासियत होती है कि इस पेड़ से बना हुआ कोई भी फर्नीचर का सामान होगा उसमें कीड़ा कभी नहीं लगेगा बहुत ही मजबूत टिकाऊ और इससे बने हुए फर्नीचर बहुत ही कॉस्टली होते हैं और वहाँ भी देखिए A king of beauty is joy forever. एक मचान बना हुआ है मैं सोच रहा हूँ कि हम अब चाय की छुट्टी वही कर रहे हैं और यहाँ किसी का दिल पड़ा हुआ है आपका है सर ले लो उठा लेते हैं यहाँ से दिखाते अच्छा बना रहा हूँ वास्ते में संभल के आइए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे कीले एक्सपोज्ड हैं आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है इट इज टोटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर है Wow, it's nice. यहाँ से लोग करते हैं। नहीं मैं कितनी सही आ रही है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये वीडियो बन रही है। देख ले। Mm-hmm.
मतलब कंस्ट्रक्शन के जो हैं यहाँ पे बंदे हैं उनसे मैंने बात करी तो उनसे पता लगा कि ये प्रोसेस ये जो है एरिया भी कवर होगा। और बैटरी खत्म हो गई। जबरदस्त काम किया हुआ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो है बिल्कुल एकदम चरखा वगैरह एकदम पीओपी लगाया गया इसमें, मेरे का पहले ये पीओपी लगा है लुक देने के लिए, पीओपी के ऊपर एंटी ग्लिच देने के लिए। और ये कहीं से ऑर्डर करे होंगे, ये भी यहीं पे बनाए होंगे, बना रखे हैं बड़े बड़े आए। Nice it is, no? देख टायर की हवा निकाल दो, फिर देख टूटी गाड़ी। हुआ मजा, बस बस ले कट क्यों रही, बस यार बस। हम सही बैठे हैं ना इधर, बन रही है वीडियो यो यार। हम चलो एक दिन क्या हुआ ना, ताकि मैं देख लो भैया, आदिश भैया आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो। ये रिटायरमेंट प्लान्स मेरे को पता क्या लगता है, मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे ना कि वो स्टेशन लगता है जैसे चंडीगढ़ से लोग आगे 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 अंदर आते हैं खाने पीने का बनाई ये भी देखिए जरा क्या जबरदस्त यहाँ पे पेंटिंग करी। क्या किया है जो कंस्ट्रक्शन करने के बाद यहाँ पे पीओपी की लेयर लगाई है इसको रफ लुक देने के लिए, क्ले या मट लुक देने के लिए, उसके ऊपर फिर जो है ये पेंट करके पुराने लालटेन का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि एथनिक वैल्यूज को जहाँ पे थोड़ा सा वायरिंग अभी खुली है तो मेरा हाथ खुला बड़ा सर। उसमें बच्चों का थीम दे दिया गया और खाने पीने के लिए जो अलग थीम दिया गया है, ठीक है। और इसकी कंस्ट्रक्शन एक मड हाउस की तरह से की गई है, ऑल्दो इसमें मड का यूज नहीं हुआ है, पीओपी के ऊपर पेंट किया गया है, बट इट्स लुक and traditional lighting system, traditional height of the house, homes. Happy birthday, come on. To me. अच्छा इसे मतलब कि रस्सी कितना काम करेगा ना? हाँ जी। जैसे हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं ना तो उसमें बाइंडिंग वायर यूज होती है, लोहे की पतली पतली तारे होते हैं, उसकी जगह यहाँ पे इसको बिल्कुल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वायर है, ये ऑर्गेनिक वायर नेचुरल नेचुरल वायर वायर भी बोल सकते हैं। एंजल फार्म में विजिट किया हमने, बहुत मजा आया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर।